उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही यूपी का सियासी माहौल भी गर्म होता नजर आ रहा है। पहले दो चरणों के चुनाव प्रचार के दौरान सियासी दलों के बीच सिर्फ जुबानी हमले हो रहे थे, लेकिन अब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपने विरोधी दलों के प्रत्याशियों पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। दरअसल मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमले की खबर ने उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया है। घटना करहल थाने के रहमतुल्लापुर गांव की बताई जा रही है। हम एक गांव करके आ रहे थे सब लोग, कबरई शायद गांव है मुझे नहीं पता, असरोई, हाँ, वहाँ से निकल कर कुछ लोग खेतों में थे, आवाज आ रही थी अखिलेश यादव जिंदाबाद को, सब लोगों ने देखा गाड़ी बहुत थी, एकदम पीछे वाली गाड़ियों में इस पर अद्दा फेंका, एकदम इधर भी खेत बिल्कुल अंधेरा था, अद्दा आया फटाक सीना हुआ, शीशा चटका, गिरे सामने की एकदम आ रही है, सब लोग रुके, जैसे सिक्योरिटी उतरी है तुरंत ही भगदौड़ से मच गई है, सिक्योरिटी भागी है, पीछे की गाड़ियों को लिया उन्होंने, पीछे की गाड़ियों पर भी हमला। कितनी संख्या रही होगी? लगभग 50-60 लोग। अच्छा, गाड़ी में क्या लगा है? गाड़ी में अब ये नहीं, अद्दा आया पत्थर, ईंट का पत्थर। बता दें कि करहल सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए तीसरे चरण के चुनाव में ये सीट सपा बीजेपी दोनों के लिए साख की लड़ाई है। अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला उस वक्त हुआ जब वो करहल के रहमतुल्लापुर गांव में लोगों से जनसंपर्क करने पहुंचे थे। इसी दौरान करीब 20 से 25 लोगों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया। इस घटना में एसपी बघेल की गाड़ी का शीशा टूट गया है, हालांकि एसपी सिंह बघेल बाल बाल बच गए। हमले की पूरी सच्चाई खुद एसपी सिंह बघेल से ही सुनिए। लगभग 7:30 या 45 हुए होंगे, अंधेरे में खेतों में से लोग निकल के आए, अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और उसमें से एक आदमी ने ये कहा कि मैं उमाकांत यादव नगला बदा हूँ, साले तुम हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ते हो जिन्होंने तुम्हें सांसद बनाया, और उसने और 20-30 लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, मुझे चोट आई है, और उसमें से एक ने, उसी ने ये कहा कि बीटू जान से मार दे, आज मंत्री बच के ना जा पाए, साला मंत्री बच के जा, इसका चुनाव आज ही कराई दे रहा हूँ, जो एग्जैक्ट शब्द कहते उतने ही मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद पीछे संजय शर्मा हमारे एक साथी हैं जो खंदारी में रहते हैं, उनकी उन पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, वो बच गया, उनकी गाड़ी के हेडलाइट वगैरह भी तोड़ दी, कई गाड़ियां डेंट हुई हैं, तो अब सबका वर्णन करना उचित नहीं है, ये बौखलाहट की निशानी है, ये उनकी हार की निशानी है, जो गर्व के साथ कह गए थे मेरे टिकट से पहले कि मैं आप चुनाव बाद आऊँगा, ये सब आपने उस दिन ब्रेकिंग न्यूज बनाया था, तो वो छठवें दिन आ गए, फिर कहा था कार्यकर्ता लड़ेंगे, तो घर के सारे लोग लड़ रहे हैं, दोबारा 17 तारीख को आ रहे हैं, और ये पहला अटैक नहीं है, मैं एक दिन नगला कुरियन जा रहा था तो गढ़िया चौराहे पर अटैक किया, इसको पीएसी ने और इंस्पेक्टर करहल ने अपनी आंखों से इस मंजर को देखा था। मैं कोशिश करता हूं कि शांति से चुनाव लड़ें, लेकिन वो इस प्रकार से घेर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, और ये रास्ता रुक के हुआ था। ये कितने लोग थे और कौन लोग थे? 20-25 लोग थे। मंत्री जी, ये लोग कौन थे, पहचाना किसी को आपने? नहीं, मैं उसमें उसको पहचान रहा हूँ, सामने आने पे पहचान लूंगा, जिसने अपना नाम स्वयं ये कहा कि मैं उमाकांत नगलाबाद का हूँ, और उसी ने अपने एक कब बीटू नाम लिया कि साले बच ना पाया आज मंत्री। वहीं अब इस हमले के बाद यूपी पुलिस की नींद भी हराम हो गई है, और हो भी क्यों ना, सवाल एक केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा का जो ठहरा। आज शाम लगभग 7:45 पर माननीय मंत्री जी, जो करहल विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं, कबरई से अतिकुल्लापुर की तरफ अपने काफिले के साथ आ रहे थे, तभी रास्ते में अतिकुल्लापुर के नज़दीक कुछ लोगों ने काफिले पर जो है डंडे और पत्थर से हमलावर हुए, और मौके पर सूचना मिलने पर सीओ करहल और इंस्पेक्टर करहल मौके पर गए। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, कानून व्यवस्था बनी हुई है, माननीय मंत्री जी द्वारा जो तहरीर थाने पर दी गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर मुकदमे में विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ तहरीर दी? ये लगभग 20 से 25 लोगों के विरुद्ध उन्होंने जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। संज्ञान में नहीं लाया गया है कौन लोग हैं, इसकी विवेचना
से और जांच से जो तथ्य आएंगे उसके आधार। वहीं इस घटना के बाद एक तरफ पुलिस मामले की जांच कर रही है तो वहीं बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस मामले की निंदा करते हुए समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला सपाई गुंडों की असली चरित्र को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी जनपद में 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सहित सभी चारों सीटों पर ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। इससे बौखला करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पालतू गुंडों और अपराधियों और दंगाइयों के द्वारा कल भाजपा की राज्यसभा सांसद बहन गीता साक्य जी के ऊपर हमला करवाया और आज जब करहल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक सभा के बाद मैं वहां से दूसरी सभा के लिए आया। अभी शाम को जब लखनऊ पहुंचता हूं तो मुझे सूचना मिलती है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं प्रत्याशी के साथ साथ, उनके ऊपर सपा के सैकड़ों गुंडों ने हमला कर दिया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। श्री अखिलेश यादव जी, बताइए क्या यही नई सपा है कि जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो और चुनाव में हार रहे हो और चुनाव में हारने की स्थिति के बाद ऐसी परिस्थितियां खड़ी करोगे कि जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा उस पर हमला करवाओगे? या भैया ध्यान रखिएगा, ये समाजवादी पार्टी की सरकार का युग समाप्त हो गया है। अब गुंडई के बल पर बूथों पर कब्जा करके कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। करहल विधानसभा सीट सूबे की हॉट सीटों में से एक है जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और इस विधानसभा सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें हराने का संकल्प एसपी बघेल ने लिया है। वहीं इस हमले के बाद एसपी बघेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहरहाल जुबानी जंग से शुरू हुआ चुनाव प्रचार अब हमले की शक्ल ले रहा है, जिस पर चुनाव आयोग को संजीदगी से ध्यान देना चाहिए, वरना आने वाले समय में ऐसी हिंसक घटनाएं उत्तर प्रदेश को किसी अनहोनी की ओर ले जाएंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मैनपुरी से आशीष सक्सेना की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।